नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जिस तरह से भारत पाक का जो मैच हुआ था, कहीं ना कहीं उसके बाद यूएपीए यानी कि लोगों पर जो था यूएपीए लगा दी, जिन्होंने सेलिब्रेशन की थी, कहीं ना कहीं उसमें एक अनन्या जम्वाल का जो नाम था वो भी आ गया। वो जम्मू की रहने वाली है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी, जो एक्स प्रधान है यूआर रायपुर सभा के। गिल्ली जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? पहले तो भारत पाक का मैच करवाया गया, उसके बाद जिस तरह से एक बार अमित शाह कश्मीर में जाके ये बोलते हैं हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद यूएपीए लगाना, किस तरह से देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, यूपीए लगाया बहुत अच्छा किया, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने, चंद लोग जो कश्मीर से, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। हिंदुस्तान एक गेम का हिस्सा है, स्पोर्ट्स में चलता रहता, हार जीत, एक मैच हारा उस पर इन्होंने इतना बवाल किया, इतनी खुशियाँ मनाई, तो खाना हिंदुस्तान का और गुनगान पाकिस्तान के करने। और एक हमारी बेटी यहाँ से अनन्या जम्वाल, उसने उन लड़कियों की पहचान की कि वो उसकी कुलीग रही हैं, तो अब उसको थ्रेटिंग आ रही है, तो युवा रायपुर सभा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उस बच्ची जैसे और फेक आईडी से या पाकिस्तान से ट्विटर से उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये नहीं होगी कश्मीर से जो बनिहाल से लोग इधर आते हैं वो उनका आना बंद हो जाए। अगर उस बच्ची से वो बदतमीजी है वो बंद नहीं की गई, तो आने वाले टाइम में उनके लिए परेशानी होगी, हमारे लिए परेशानी नहीं होगी। सर, बात अनन्या की नहीं है, कुछ और भी हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ते होंगे, ऐसा लगता है कि उनको ही टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि सरकारों ने तो बोला था हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ जिस तरह से अमित शाह जम्मू से वापस चले जाते हैं, और रविंदर रैना का एक बयान आता है कि जो जो इसमें पाया गया उसको पकड़ पकड़ के धड़ धड़ के लाया जाएगा, क्या ये नहीं सोच रहे कि जम्मू के बच्चे कश्मीर में पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या बीतेगी? नहीं, उनको तो ऑलरेडी थ्रेडिंग आ रही है जी, अब दो तीन दिन में हम देख रहे हैं उनको थ्रेडिंग आना शुरू होगी कि जम्मू वाले बच्चे वापस चले हैं। अगर जम्मू वाले वापस चले जाएँ तो कश्मीर वाले कहाँ जाएंगे? जाना जम्मू से होके ही है, टनल पे उधर ही रहना, कश्मीर में नहीं रहना ना, इधर भी आना उन्होंने। तो अमित शाह जी इधर आए, अच्छा है, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लोगों को कहा मेन स्ट्रीम में जुड़े, और ये उन लोगों की फितरत बन चुकी है। जो सर, जिस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं जो कश्मीरी नहीं होगा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला गैर कश्मीरी होगा, उसको कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों ने जो है वो टारगेट करने की बात की है। पहले भी जो बाहर के प्रवासी थे उनको टारगेट किया, वहाँ से भगाया, तब भी ये किस तरह से आप देखते हैं कि अगर इस तरह से हुआ जम्मू कश्मीर किस तरह से एक एकजुट हो पाएगा? कहाँ एकजुट है, मैं तो बोलता हूँ कि जम्मू को स्टेटहुड बना दे के कश्मीर से अलग कर देना चाहिए। जो अजय हालत है इस टाइम के, हालत देखें क्या है, अब सिलेक्टिव किलिंग हुई पीछे, अब वो बाहर के लोग मारे गए और खासकर हिंदू कम्युनिटी के लोग मैक्सिमम मारे गए, उसमें मुस्लिम लोग भी मारे गए, मगर एक सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। उसी दिन जब ये मैच इंडिया पाक का, अमित शाह जी वहाँ थे, इतने लोग कैसे बाहर आ गए, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ आके सेलिब्रेशन करने लगे। सब लोगों को, मैं तो बोलता हूँ सब लोगों को यूपीए लगना चाहिए, और जो देशद्रोही है उनको गोली मार देनी चाहिए। सर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले प्रोटेस्ट भी किया था कि इस तरह का जो मैच है ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो अहिंसा हो सकती है, और अहिंसा ये देखने को मिली। यूपीए लगा रहे, अच्छी बात है जिसको उठा, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही निकल के आ रही है, अगर जम्मू के जो लोग वहाँ रहते हैं या जो कामकाज करते हैं, अगर उनको मिलिटेंटों द्वारा अगर टारगेट किया गया, तो किस तरह से, और ये जो बेटी अपनी जम्मू की है इसको भी जो थ्रेडिंग आ रही है, किस तरह से यूआर रायपुर सभा जो उसका सपोर्ट करेगी? देखो, जब अगर सिलेक्टिव किलिंग हुई तो कश्मीरियों का भी वहाँ से यहाँ निकल के आना मुश्किल हो जाएगा, कि लोग उग्र प्रदर्शन की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा जम्मू में कितने प्रोटेस्ट हुए, हिंदुस्तान में भी प्रोटेस्ट हुए, ये अच्छी बात नहीं, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, और ख़ास करके जो कश्मीरी लोग देश के भिन्न भिन्न इलाकों में काम करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए, जो उनका सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ क्या क्या काम करते हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, जम्मू और हिंदुस्तान के लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने पूछा जो हमारी बेटी, हम उस बेटी के साथ हैं, उस बेटी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, वो फिक्र ना करें, जम्मू जो आ रायपुर सभा उनके साथ है, कोई भी अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो अपनी आन बान शान के लिए हम किसी हद तक भी गुजरने को तैयार हैं। देखिए, जिस तरह से सुरेंद्र सिंह गिल्ली जो एक्स प्रधान है यूआर रायपुर सभा के, इन्होंने यही कह दिया कि हम उस बेटी के साथ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें इंसानियत को जीवित रखना है, हमें एकजुट होकर रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस वक्त आतंकी जो है ये टारगेट कर रहे हैं, अब यूएपीए लगाया जा रहा है, जिन्होंने नारेबाजी की है नौकरी तो जाएगी, अब उनको टारगेट भी किया जा रहा है, अच्छी बात है, सरकार की तरफ से करना भी चाहिए। आगे जिस तरह से क्रिकेट होंगे या मैच होंगे, आगे से जो लोग हैं कम से कम इस चीज़ को रोक तो पाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे की अपडेट के लिए जुड़े मेरे साथ। नमस्कार।